के शुक्रगुजार है कि इन्होंने ये इवेंट रखा और आगे भी इवेंट रखे। इस कबूतर परवरी में मुझे आज लगभग 28 साल हो गए हैं, 27-28 साल कबूतर पालते पालते हुए हैं, लेकिन आज ये पहली बार ऐसा इवेंट आया है हमारे कबूतर परवरी में, पहली बार ऐसा इवेंट आया है। हम कबूतरबाज अपने जेब से 5,000-10,000 निकाल के ऐसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते थे, लेकिन आज किसी यूनिट ने ये हमको दावत दी है कि टूर्नामेंट इधर ऑर्गेनाइज करें पूरे कश्मीर में, हमारे लिए एजाज़ की बात है। जब मैंने सुना कि यहाँ पे एक पिजन फ्लाइंग का एक इवेंट हो रहा है तो मैं दौड़ के चला आया, क्योंकि मेरे भी दिल में कुछ एक दो साल से इन चीज़ों का शौक़ था, मैं भी देखूं कि इस तरह के इवेंट्स कैसे होते थे। बड़ा ही ज़बरदस्त इवेंट था और पहली बार मुझे लाइफ में ये पता चला कि इसमें इतनी टेक्निकलिटीज़ होती है, इतनी फॉर्मेलिटीज़ होती है। मैं ज़बरदस्त हैरान रह गया और बहुत ही तहे दिल से मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ ऑर्गेनाइज़र्स का, जिन्होंने ऐसा इवेंट किया था हमारे ओल्ड टाउन बारामूला में, शहर ख़ास बारामूला में। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे बड़े बड़े और कामयाब इवेंट्स और हो जाएं। ये एक डिफरेंट टाइप का एक इनोवेटिव इवेंट था। मुझे लगा कि हमारे शहर खास बारामूला में ये जो डाइंग आर्ट है मर रहा है, लोग काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस आने को मिला, इंडियन आर्मी की तरफ से भी हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला, ओल्ड टाउन के लोगों ने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया।